नमस्कार नेक्स्ट आई हिंदी में आपका स्वागत है करंट अफेयर्स के अंक में आज बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के ऊपर दोस्तों इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसको पीआईबी ने कवर किया था अपने अंक में आइए चलते हैं न्यूज पर सीधे दोस्तों न्यूज पर चलने से पहले ये जान लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों पी अगर आप देखेंगे दो हजार परीक्षा में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था दोस्तों इसी टॉपिक से और आप जान लीजिए यूपीएससी ये आसान क्वेश्चन होते हैं जो आप सही कर सकते हैं आइए सीधे न्यूज पे चलते हैं दोस्तों के बारे में जान लेते हैं हम लोग मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की है अब आपको स्लाइड दिखाना चाहते हैं जो 2023 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों ये देखिए यूपीएससी पीवाई क्यू में पूछा था और ये क्वेश्चन नंबर नाइन्टी था ए सीरीज थी आपकी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युगमो पर विचार कीजिए आप देख रहे हैं पेयर्स वाला क्वेश्चन यूपीएससी लगातार 2022 से पूछना शुरू कर दिया है दोस्तों और 2023 में ऐसे पेयर्स वाले क्वेश्चनों की भरमार हो गई थी और यही पेयर्स वाले क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी के पिलिम्स परीक्षा को कठिन बना रहे हैं टफ बना रहे हैं अगर आपने ये पेयर्स वाले युग वाले क्वेश्चन अच्छी मात्रा में अभ्यास कर लिया तो आपको यूपीएससी प्लिम्स एग्जाम पीटी एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा आप मेन्स लिखेंगे मेन्स क्वालिफाई करके इंटरव्यू देंगे फाइनली आईएस और आईपीएस बनेंगे दोस्तों आइए चलते हैं और कुछ डिटेल में क्वेश्चन की चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे जब सारी न्यूज के ऊपर डिटेल में चर्चा कर लेंगे तो आइए सीधे चलते हैं देखिए दोस्तों अवार्ड्स और या पुरस्कार कह लीजिए पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा अभी घोषणा हुई है अभी दिया नहीं गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं अब ये भी जान लेते हैं कि इसकी घोषणा कौन करता है कभी कभी यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है कौन घोषणा करता है युवा मामले में खेल मंत्रालय और इसके मंत्री हैं माननीय अनुराग ठाकुर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमीरपुर लोकसभा सीट जो आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ती है दोस्तों ये आपके लिए इतना जरूरी नहीं है बट जान लीजिए पता होना चाहिए आपको दोस्तों पुरस्कार की कैटेगरी है श्रेणी है उसके बारे में जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है अब मेजर ध्यानचंद हो गया है परिवर्तित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों 25 पच्चीस लाख रुपए नकद दिया जाता है यह कैश होता है और यह चार वर्षों की अवधि में खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है दोस्तों आइए दूसरे पुरस्कार के बारे में जानते हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार देखिए दोस्तों राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने हेतु भारत सरकार ने 1961 में 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की और पिछले चार वर्षो की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व खेल कौशल एवं अनुशासन के लिए दिया जाता है दोस्तों देख रहे हैं आप अब बात करते हैं खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार पुरस्कार की खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता को सम्मानित करने हेतु तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985, 1985 पचासी में द्रोणाचार पुरस्कार की स्थापना की इस पुरस्कार की स्थापना 1985 में किया था ये पुरस्कार दोस्तों प्रशिक्षकों को निरंतर आधार पर उत्कृष्ट मेधावी कार्य करने हेतु तो खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है अब बात करते हैं खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने वास्तव में अपने प्रदर्शन के माध्यम से खेल क्षेत्र में योगदान दिया है जो सेवानिवृत्ति के बाद रिटायर होने के बाद भी योगदान देते रहते हैं दोस्तों दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की चर्चा कर लेते हैं अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट अंतर विश्वविद्यालय का मतलब इंटर यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है दोस्तों जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी वर्सेस डाली यूनिवर्सिटी के बीच या फिर जेनू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वर्सेज यूनिवर्सिटी के बीच होता है उसमें आपके सामने प्रश्न रहा है। जो 2023 में पूछा था खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युगमो पर विचार करना है आपको पहला पूछा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले चार वर्षो की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है तो बिल्कुल सही है और दूसरा ऑप्शन पूछा है अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी के द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है तो दोस्तों जिस इसकी चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं ये कथन एकदम गलत है द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलता पूर्वक खिलाड़ियों को या टीमों को प्रशिक्षित किया है ट्रेंड किया है ये हम लोगों ने पहले पीछे पढ़ा है तो समझ सकते हैं ये वाला एकदम सही पेयर है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी बाद भी किए गए योगदान की सराहना करने के लिए दिया जाता है तो ऐसा नहीं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन कार की स्थापना दोस्तों दो वर्ष 2009 में की गई थी और यह कॉर्पोरेट संस्थाओं प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्डों राज्य राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित नॉन गवर्नमेंट संगठन को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में डेवलपमेंट किया हो या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनको दिया जाता है तो खिलाड़ियों से उनका कोई नाता नहीं होता है दोस्तों ये भी पेड़ गलत हो जाएगा तो क्या उत्तर हो जाएगा फिर पूछ रहा आपसे उपयुक्त में से कितने युगम सही सुमेलित है जब दो गलत हो गए तो उसका उत्तर सही होगा केवल दो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी ठीक है दोस्तों दोस्तों आज के अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और ज्वलंत मुद्दों के साथ तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएस के साथ धन्यवाद